ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक ओर पुलिस लॉकडाउन के मैनेजमेंट की चुनौती से जूझ रही है, तो दूसरी ओर धौलपुर पुलिस इन दिनों लॉकडाउन की पालना के साथ ही डकैतों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और काम भी ऐसा कि बीते कुछ दिनों में ही बीहड़ में डकैतों पर रिकॉर्ड कार्रवाई की जा चुकी है। कौन है पुलिस के सिंघम और कैसे बीहड़ को डकैतों से मुक्त करने का अभियान चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। धौलपुर जिला, जो हमेशा से डकैतों की पहली पसंद माना जाता रहा है, वहां बीते दो महीने में ही धौलपुर पुलिस ने डकैतों के ज्यादातर सरगनाओं को सलाखों के पीछे भेज दिया है। धौलपुर के युवा एसपी मृदुल कच्छावा की सटीक प्लानिंग से एक बार फिर धौलपुर जिला और चंबल का बीहड़ दस्युओं से मुक्त होने की ओर है। भरतपुर रेंज के डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के निर्देशन में वैसे तो धौलपुर पुलिस बीते छह महीने से दस्युओं के खात्मे के लिए काम कर रही है, लेकिन कोरोना जैसे कठिन समय में भी बीते दो महीने में धौलपुर पुलिस ने करीब दो दर्जन डकैतों को पकड़ा है, जो बताता है कि धौलपुर पुलिस कितनी अच्छी और सटीक प्लानिंग से काम कर रही है। आइए अब आपको धौलपुर पुलिस के स्वच्छ चंबल अभियान की झांकी दिखाते हैं। तारीख 24 मार्च, नाम दस्यु रामबाबू उर्फ छैला, ये 5000 का इनामी जो पकड़ा गया। तारीख 1 अप्रैल, नाम दस्यु रमेश गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 8 अप्रैल, नाम दस्यु सुभाष गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 5 अप्रैल, नाम दस्यु मोहन सिंह गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 7 अप्रैल, नाम दस्यु पप्पू उर्फ जरदान सिंह, इनाम 51500 का इनामी। तारीख 7 अप्रैल, नाम दस्यु कल्लू उर्फ बैजनाथ, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 8 अप्रैल, नाम दस्यु सीताराम, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 22 अप्रैल, नाम जंडेल गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 23 अप्रैल, नाम बदमाश जवान सिंह, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 26 अप्रैल, नाम दस्यु भूरा, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 27 अप्रैल, नाम बदमाश बनिया उर्फ रिजवान, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 28 अप्रैल, नाम मेहताब गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 29 अप्रैल, नाम दस्यु भारत गुर्जर, इनाम 45000 का इनामी। तारीख 30 अप्रैल, नाम बदमाश दशरथ सिंह, इनाम 5000 का इनामी। तारीख 30 अप्रैल, नाम बदमाश अनिल उर्फ गुड्डू, इनाम 10000 का इनामी। तारीख 4 मई, नाम बदमाश बंटू उर्फ बंटी, इनाम 5000 का इनाम। तारीख 6 मई, नाम बदमाश कैलाशी गुर्जर, इनाम 2000 का इनामी। तारीख 7 मई, नाम दस्यु राजवीर, इनाम 10000 रुपए का इनामी। तारीख 13 मई, नाम दस्यु रामविलास गुर्जर, इनाम 45000 का इनामी। तारीख 13 मई, नाम दस्यु रघुराज गुर्जर, इनाम 35000 का इनामी। तारीख 13 मई, नाम दस्यु बंटी गुर्जर, इनाम 5000 का इनामी। धौलपुर पुलिस ने बीते दो महीने में ही जिन दस्युओं को पकड़ा है, उनमें से अधिकतर डकैत इनामी हैं और धौलपुर के अलावा कई राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी। ऐसे में सिर्फ धौलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी अपराध कम होगा। धौलपुर के एसपी मृदुल कच्छावा की बतौर एसपी धौलपुर में ये पहली पोस्टिंग है, लेकिन इस युवा आईपीएस अधिकारी ने अपने काम से पुलिस मुख्यालय और बड़े पुलिस अधिकारियों को प्रभावित किया है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह और एडीजी क्राइम बीएल सोनी भी धौलपुर पुलिस की परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के अनुभव और मॉनिटरिंग से भी धौलपुर पुलिस को काफी लाभ मिला है। कार्रवाई के बारे में ब्रीफ कर दिया आपको एसपी साहब ने कि किस तरह से कल जो सूचना मिली थी उस पर उन्होंने लोकल पुलिस से इसकी रेकी कराई। लोकल पुलिस से पॉजिटिव सिग्नल मिलने के बाद एसपी साहब ने खुद ने कमांड की है कार्य कार्रवाई को, और उसका नतीजा है कि सफलता उनकी प्राप्त हुई है। 85000 इनाम के डकैती, 3 डकैत एक साथ पकड़े गए हैं। उनको सामान सप्लाई करने वाला, उनको इधर उधर की सूचना देने वाला, उनका खास गुर्जर भी पकड़ा गया है। रेकी करवाने के उपरांत जब उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो गई, उसके बाद में जो है अन्य हमारी क्यूआरटी टीम, आरएसी कमांडो टीम, सभी का बैकअप बुलाया गया, और एसएचओ पाड़ी सदर, एसएचओ मनिया, डीएससी टीम इंचार्ज, सभी को मौके पर भेजा गया। घेराबंदी सुनिश्चित की गई, चूँकि कल जो है अच्छी चांदनी रात थी तो विजिबिलिटी अच्छी थी रात्रि में, तो
तो उससे जो है घेराबंदी हमारी मजबूत हो सकी। मजबूत घेराबंदी होने के बाद में जब डकैतों को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसके बाद में जो है आपस में डकैतों और पुलिस के मध्य फायरिंग हुई है। कुल लगभग 60 से ज़्यादा राउंड जो है दोनों के आपस में फायरिंग हुई। हमारी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए अपनी शौर्य वीरता का परिचय देते हुए इन सभी को गिरफ्तार करने में सक्षम रहे हैं, सफल रहे हैं। बीते दो दिनों में हुई धौलपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद अब चंबल के बीहड़ों में गिनती के दस्यु ही बचे हैं, लेकिन एसपी का कहना है कि उनका ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी दस्युओं का सफाया नहीं हो जाता। धौलपुर एसपी मृदुल ने बीते दिनों में पुलिस के मुखबिर तंत्र को काफी मजबूत किया है, ये भी पुलिस की कामयाबी का एक बड़ा कारण है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विनोद तिवारी के साथ शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।